आज मेरी तरीके से कटहल की सब्जी बनाएंगे। मेरी कटहल की रेसिपी देखिए। हल्दी और नमक डाल के और प्याज काट के, प्याज डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें डाल देना है ये कटहल। ये भुन गया है कटहल और अब इसमें हम इसको निकाल लेंगे। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, ये तेल आ गया है। तेजपत्ता, दालचीनी, मेरे पास मोटी इलायची नहीं है इसलिए मैंने मोटी इलायची, जीरा, इसमें टमाटर प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। और जो मैंने ये कटहल भूना है ना, इसको भूनने का तरीका क्या है कि आप हल्दी नमक प्याज डाल के मिक्स कर इसको भूनते, मैं इसलिए भूनती क्योंकि ना अंदर तक कटहल के अंदर तक ना वो चला जाता है नमक, क्योंकि हम ऐसे फ्राई करते हैं ना थोड़ा बहुत गुंजाइश रह जाता है, क्या बताएं, मेरे को लगता है। और मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ अपना घर के स्टाइल, जो मेरे घर में बनता था हमेशा। इसमें मैं वही पेस्ट डाल दूँगी, हल्दी, नमक और मिर्च पाउडर, सारे मसाले डाल के मैंने इसमें पेस्ट डाल दिया। मैंने थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर और इसके साथ धनिया पाउडर, और मैं इनको पानी में घोल कर मैं इसमें डाल चुकी। अब इसमें हम अपना ये कटहल डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे, ठीक है, और थोड़ी देर इसको पकाते रहेंगे अंदर तक मसाला जा। थोड़ा ध्यान में पकाना, पता चला चिपक गया नीचे, ठीक है। अब आप पानी डाल दो, पानी डाल के पका लो अच्छे से इसको। तो खड़ा गरम मसाला डाल दिया, तो पिसा हुआ मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खड़ा गरम मसाला में सिर्फ दो ही डाला था, क्योंकि थोड़ा मैंने पिसा हुआ, घर का पिसा हुआ मसाला है मेरा गरम मसाला। ये मेरी कटहल की सब्ज़ी तैयार है। और मैं हमेशा कोशिश किया कीजिए कि फ्रेश कटहल लिया करें, क्योंकि जो पैकेट में ऐसे बेचते हैं ना, वो पकने में बहुत दिक्कत करती है। फ्रेश वाला जल्दी पक जाता है। एक बार तो मेरे साथ क्या हुआ था कि एकदम ही गंदा सा टेस्ट वाला कटहल मिल गया था। तो जो भी है, सब्जी ऐसी है, मैं तो चावल के साथ बना रही हूँ इसलिए मैं थोड़ा ग्रेवी रख रही हूँ।